नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। हमने बहुत पहले वीडियो डाली थी कि दिव्यांगजन की संपत्ति को हड़पना लोगों के लिए कितना आसान होता है, और बिल्कुल इसी तरह से जीता जागता उदाहरण हमारे सामने एक आया है ललितपुर से। एक बंधु है, दृष्टिबाधित है, उनके दो छोटे भाई हैं और उनकी बहन है, और उनकी संपत्ति जो असामाजिक तत्व हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि दिव्यांगजन की संपत्ति पर हड़पने के लगी हुई थी, अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। बाल्यकाल में ही हमारे उन दृष्टिबाधित बंधु के जो माँ बाप थे गोलोकवासी हो गया। जो राजस्व अभिलेख हैं, जो भूलेख हैं, उनमें जो म्यूटेशन होता है, क्योंकि कोई कोई संरक्षक होना चाहिए अगर कोई अवयस्क है, तो उनकी बहन का नाम आया, बहन बड़ी थी, संरक्षक के रूप में दाखिल खारिज हो गई। अभी तक वो जोतते बोते रहे, सारा कुछ करते रहे। उनकी बहन ने संरक्षक के रूप में जो संपत्ति थी उसको माफियाओं के हाथ औने पौने बेच दिया है, चाहे दबाव में फ्रॉड करके जो भी स्थिति रही हो, और उनकी उस बहन का अब इस समय अता पता भी नहीं है। हमारे पास भी यह मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल होते होते आया, जो नंबर दिया था मीडिया के लिए, जिससे बात भी हुई, उन्होंने भी अपनी सही राम कहानी बताई। जितने भी सामाजिक संगठन हैं सक्षम सहित, वे सभी ऐसे बंधुओं की सेवा के लिए, ऐसे बंधुओं के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अभी पेपर अपडेटेड है, लेकिन यहां पर कुछ विचारणीय बिंदु है जिस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था। जब बहनामा हो रहा था, रजिस्ट्रार को भी ध्यान देना चाहिए था। जब दाखिल खारिज हो रही थी, वहां भी जो कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, उसको भी ध्यान देना चाहिए था। न्यायालय को भी, खासतौर से तब जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आ गया है, विशेष न्यायालय स्थापित हो चुके हैं, उसमें भी माननीय न्यायाधीशगण हैं, उनको भी संवेदनशील होकर के इस मामले को देखना चाहिए था। विधिक साक्षरता प्राधिकरण होता है, लीगल अथॉरिटी सेल होती है, वहां भी ये बात जानी चाहिए थी। यह तो आपको भी मालूम है बंधु कि यदि कोई अवयस्क होता है, यानी नाबालिग होता है, यदि कोई संपत्ति बेचनी है तो माननीय न्यायालय से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, संविदा अधिनियम की बात करें, यदि किसी माइनर ने अपनी वयस्कता की अवधि पूरी कर ली, यानी वयस्क हो गया, तो वयस्क होने के कुछ समय के बाद जो गार्जियन होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी गार्जियन की जो सैंक्शनिंग होती है, गार्जियन का जो महत्व होता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति वयस्क हो गया है, वह स्वयं निर्णय ले सकता है। और इस मामले में जहां तक मेरे पास तथ्य आए हैं, वयस्कता की अवधि प्राप्त कर लिया अखिलेश जी ने, तो उनकी बहन को यह अधिकार नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कि वह कोई भी बैनामा किसी को निष्पादित कर सकती है, कोई भी विलेख किसी के हक में लिख सकती है, पक्ष में निष्पादित कर सकती है। अगर ऐसा हो भी गया तो ऐसा दस्तावेज जो बिना क्षेत्राधिकारिता के लिखा गया हो स्वयं वो शून्य होता है। और ऐसी दशा में जबकि उनकी बहन ने, जबकि उनके अभिभावकत्व का समय समाप्त हो चुका था, अभिभावक के रूप में नहीं रह रही थी वो, तो उनको बैनामा करने का अधिकार नहीं था तब तक जब तक कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार वो स्वयं को सीमित पर्पज के लिए अभिभावक नियुक्त ना करा लेती। अब यहां पर एक बात आ सकती है, लोग कह सकते हैं कि जब तक वो बैनामा ठीक ठाक है, वाइड डिक्लेयर नहीं हुआ है, वाइडेबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तब तक वो अस्तित्व में रह गई। यहां पर दो बात है, निश्चित रूप से अगर डॉक्यूमेंट वैड है तो इट नीड्स डिक्लेरेशन, लेकिन अगर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कोर्ट को, तो क्या वो एक दिव्यांगजन को न्याय देने के लिए इसका इंतजार करेगी कि वैड क्लियर हो जाए? अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है और वास्तव में कुछ सकारात्मक करने की जरूरत है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए,
और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।